बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहती हूँ आपके पसंदीदा शो में आपको, जिसका नाम है रिवायतों की लज्जत। इसके साथ ही मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। रिवायतों की लज्जत यानी खानों की लज्जत, जो आजकल के दौर में कहीं खो गई है। अच्छे खाने आजकल हमसे बनते ही नहीं, या मुझे लगता है हम बनाना नहीं चाहते, क्योंकि आजकल हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमसे मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं होती। और अगर कभी हम कोशिश करते भी हैं उन खानों को बनाने की, तो हमें वो ऑथेंटिक रेसिपीज मिलती नहीं हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? यही कर सकते हैं कि हम आपके लिए अपना ये शो लेकर आए हैं रिवायतों की लज्जत। आपको हमें देखना है, फॉलो करना है, और हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करना है। फिर आप देखें कि वो जायका जो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है, जो हमारी अम्मियों के हाथों में है, तो किस तरह से वो फिर से आपके दस्तरखान की रौनक बन सकता है। इसीलिए हम आपके लिए कोशिश करते हैं, हमारी टीम भी ये कोशिश करती है कि हम यहाँ पर अच्छे प्रोफेशनल और टैलेंटेड शेफ्स को बुलाएं। वो हमारे किचन में वो रेसिपीज़ और वो जायका और वो लजीज खाना, उनकी रेसिपीज़ आपको बताएं, ताकि आप उनको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकें। तो इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमारी आज की शेफ़ को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो हमें यहाँ क्या बनाकर खिलाएंगी। तो हमारे साथ मौजूद है सारा दानियाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सारा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सारा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं एज अ कलिनरी स्कूल से मैंने वो किया हुआ है, और मैं हूँ प्रोफेशनल शेफ़। अच्छा, प्रोफेशनल शेफ़ हैं। आपने सीखी है? जी, फ्रॉम स्किल्स वैली। ठीक है, तो आपने सीखी है, आपको शौक था या पहले? शौक से? मुझे अपने भाई को देखा हुआ था, क्योंकि मेरे भाई गोल्ड मेडलिस्ट शेफ़ हैं, और क्योंकि घर पे मम्मा और भाई कुकिंग करते थे, तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी फिर सीखूं। तो फिर मैंने कलिनरी स्कूल में एडमिशन लिया, फिर मैंने वहाँ से सीखा, उसके बाद मैं शोज़ करने लग गई। तो आपने सीखा है उसके बाद ही आपको कुकिंग करना है, या पहले से जब? शौक तो मुझे भाई और मामा को देख के हुआ था। ठीक है, तभी मैंने स्कूल में वो लिया। तो बनाना भी आपने तब से स्टार्ट कर दिया? जी, मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे साथ मौजूद है सारा, और सारा से हम पूछते हैं कि आज हमारे किचन में वो क्या बनाएंगी। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन कोयला कढ़ाई। कोयला कढ़ाई? जी। वाओ, जबरदस्त। चलें तो फिर हम अपने शो को स्टार्ट करते हैं, और मुझे बताएं कि सबसे पहले आप क्या करने वाली हैं। सबसे पहले वैसे तो चिकन कढ़ाई में तेल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज जो है मैं थोड़ी डिफरेंट रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आप आज जो मैं चिकन कढ़ाई बनाने वाली, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पानी लूँगी। ओके, पानी वहाँ पर बोल में आपने मेजरमेंट से निकाला है? नहीं, मैं बताऊंगी कि कितना लेना। ओके, जी सारा। इस स्टोव में सबसे पहले मैं डालूंगी ये पैन में ये पानी ऐड करनी है? जी। ओके, तो ऑयल ऐड नहीं किया आपने? नहीं, मैंने ऑयल ऐड नहीं किया, मैंने पानी ऐड किया। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। अब डालूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, चार जो है मैंने टेबल स्पून पानी ले लिया, उसमें मैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है जी। ओके, और अब हम क्या करने वाले हैं? इसके बाद मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट। सॉल्ट डालेंगे? ठीक है, इतना सा मैंने बस। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी लग रही है मुझे। नॉर्मली अगर हम कढ़ाई के बारे में सोचते हैं तो ऑयल से हम स्टार्ट करते हैं कि ऑयल में हमको टोमेटोज ऐड करने। ये आप क्या करने लगी हैं? अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। चिकन आपने कितनी ली है? चिकन मैंने 1 kg लिया। 1 kg चिकन लिए, विद बोन्स लिए? जी, विद बोन्स। अच्छा, और इसका कट कैसा है? छोटे-छोटे पीस? कढ़ाई कट है। ठीक है, अच्छा मुझे इसको थोड़ा सॉटे करना है हमें। ठीक, कितनी देर करना है? बस हल्का सा हमें देना है, 1/2 मिनट भी बहुत होगा। अच्छा, लाइक फ्लेवर आ जाए थोड़ा सा। तो आपने इसको सौते पानी में किया है? जी, उसके बाद हम इसको अलग से ऑयल में भी करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ इतना है, हमें इतना चिकन करनी है कि बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर चेंज करना है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है, बहुत हटके है, बहुत यूनिक है, जैसे कि हमारे शो का पैटर्न है, हम आपके लिए लेकर आते हैं यूनिक रेसिपीज़। तो इनमें से ही ये एक है, आप बिल्कुल हमारे साथ ही रहिए और इसको फॉलो करते जाइए। अब हम क्या करने वाले हैं? बस जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज करेगा, थोड़ा सा फ्लेवर आएगा, फिर हम इसमें दूसरे पैन में जो है हम ऑयल गरम करेंगे, और उसके बाद ये सारे जो चिकन हमने यहाँ सॉटे की होगी वो इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, और मुझे ये बताएं कि इसके अलावा और क्या अच्छा बना लेती हैं आप? मैं अचारी भिंडी हो गई, चिकन स्टेक्स वगैरह हो गए।
ज्यादातर जो इटालियन कुजीन्स में मेरा हाथ ज्यादा है, चाइनीज हो गया। ओके जी, तो वैसे आपके घर वाले कितने खुश हैं, अभी आपके इन-लॉज कितने खुश हैं खाना बनाने के? खाना वगैरह तो मैं बना रही हूँ तो अभी तक तो जी अभी तक तो काफी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज मिले। अच्छा जी, तो कभी ये हुआ है कि कोई चीज ऊपर नीचे हो जाए तो वहाँ से हम इंसान है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं तो वो बैलेंस आउट हो जाता है चीजें करके। जी ठीक है, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई डिश उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो कहते हो कि हमें भी बताओ, हमें भी बनाना सिखाओ? जी, एक डिश मैंने बनाई थी, टमाटर की चटनी होती है, वो रोस्ट करके बनती है, तो वो मेरे ससुराल में इतनी पसंद आई कि वो कहते हैं कि रोज़ ये बननी चाहिए। तो दोपहर के खाने जैसे होता है ना, उसमें मैं लाजमी वो बनाती हूँ टमाटर की चटनी, रोजाना मैं बनाती हूँ। इतनी भी क्या जबरदस्त रेसिपी है, अगर हमें टाइम मिला हमारे इस शो में तो हम बिल्कुल पूछेंगे आपसे और आप ज़रूर हमें बताइएगा कि किस तरह से बनेगी टमाटर की चटनी। तो इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्दी से ब्रेक पे जाइए और फटाफट से वापस आइए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, रिवायतों की लज्जत में हम वापस आ गए हैं और अब हम अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमने चिकन को पानी में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और सॉल्ट डाल के इसको इसका तब तक इसका कलर चेंज करने के लिए रख दिया था। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और अब हम क्या करने वाले हैं सारा? अब हम दूसरे पैन में जो है खाना बनाते हुए हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए खाना बनाएंगे ताकि सफाई का भी ख्याल रखा जाए साथ साथ। अब हम क्या करने वाले हैं? ऑयल ऐड करेंगे जी। कितना ऑयल लिया है आपने? ये 1 कप लिया मैंने, 1 कप ऑयल लिया, 1 to 2। और उसके बाद अगर एक्सेस होगा तो हम निकाल देंगे और अगर कम होगा तो डाल भी सकते हैं। 1 कप ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, 1 कप सही है, बिल्कुल 1 kg के लिए सही है। 1 kg के लिए ठीक है। तो अब हम इसमें ऑयल को हीट देंगे। ठीक है, ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद फिर और चीजें हम इसमें ऐड करेंगे। जी सारा, तो टमाटर की चटनी के बारे में आप कुछ बता रही थी। टमाटर की चटनी की रेसिपी के टमाटर लें आप, उसको स्टिक्स में डाल के भून लें, जैसे ही उसके वो ब्लैक कलर का भून जाएगा ना, उसके बाद निकाल के उसको आप पूरा मैश कर दें। कलर आ जाए जी, जो पूरा ब्लैक वो हो जाएगा, रोस्ट हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद उसको निकाल के ना आप मैश कर दें, उसके बाद चॉप्ड अनियंस डाल दें, उसमें हरी मिर्ची डाल दें, उसमें नमक डालें, कुटी हुई काली मिर्च डालें और उसमें थोड़ा सा लेमन डालें, हरा धनिया चॉप करके डाल दें और साथ में सरसों का तेल डालना है। अच्छा जी, ऑयल हम अगर सरसों का ऑयल हमारे पास नहीं है तो हम नॉर्मल उसका जो फ्लेवर है वो ही उसका सरसों के तेल से आता है। अगर सरसों का तेल है तो लेकिन ना ऑलिव ऑयल ले लें। अच्छा, अगर सरसों का ऑयल आपके पास नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। फिर क्या करना है, उसको ब्लेंड कर देना, इसको नहीं सब मिक्स कर दें स्पून से। अच्छा, स्पून से ही हो जाएगा, स्पून से मिक्स कर दें। ठीक है, और वो टमाटर को जो आप रोस्ट जो मैश किया था हमने, टमाटर को रोस्ट करके हमने मैश कर दिया, रोस्ट कितनी देर में हो जाएगा? बस की ब्लैक स्किन आ जाए, बस उतनी देर के लिए। ठीक है भाई, तो ये देखें कितनी आसान सी टमाटर की चटनी जो कि सारा रोज आजकल अपने घर में बना रही है लंच पर, तो आप भी अपने घर में बना सकते हैं। सारा क्या करने लगे हैं हम? अब हम ऑयल में डालने लगे हैं चिकन। ओके, चिकन जिसको हमने मसाला डाल के लहसुन अदरक और नमक डाल के पानी के अंदर सौते किया था, उसका कलर चेंज हो गया, तो ऑयल को हमने रख दिया एक तरफ, वो जब गर्म हो गया तो हमने चिकन उसमें ऐड कर दी। पानी इसका जल गया है पूरा? पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, हो गया है। ठीक है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है पानी। ये देख सकते हैं आपके चिकन जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और हमने उसको ऑयल में डाल दिया है। ठीक है सारा, तो अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे? अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, हल्दी डालेंगे और पिसी हुई लाल मिर्च। हल्दी डालेंगे और पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। तो ये हल्दी मैं आपको देती हूँ, स्पून है आपके पास? कितनी हल्दी ऐड करेंगे? हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर ली और पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च कितनी ऐड करेंगे? ये 1 teaspoon। खुशबू आने स्टार्ट हो गई है, जब खुशबू आने स्टार्ट हो जाती है ना तो मैं अपने नाज़रीन को बता देती हूँ कि भाई देखें अभी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। और थोड़ा सा हसबे जायका नमक, हल्दी लाल मिर्च पाउडर और नमक ऐड किया है हमने इसमें। लाल मिर्च आपने कितनी ऐड की है? लाल मिर्च 1.5 teaspoon।
रखें। और क्योंकि अगर तो ये पिसी हुई लाल मिर्च के अलावा आप चाहें तो देगी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, उससे होता है कि कलर बहुत अच्छा आता है जो कश्मीरी लाल मिर्च अच्छा, होती है। तो फिर उससे स्पाइसी हो जाता है? वो स्पाइस के लिए नहीं होता, वो जस्ट फॉर कलर होता है। अच्छा, तो अगर वो है तो हम उसको लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, उससे होगा कि आपके कढ़ाई का जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आ जाएगा। ठीक है जी। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि अगर आपके घर में लाल मिर्च पाउडर के साथ साथ आप कौन सी देगी मिर्च देगी लाल वो भी ऐड कर सकते हैं, कलर के लिए बहुत अच्छी होती है। और मेरे ख्याल से फूड कलर जो हम यूज करते हैं उससे टेस्ट में फर्क आ जाता नहीं, है उसका ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, नहीं होता। का कोई टेस्ट नहीं तो होता। इससे अच्छा यही है कि हम कश्मीरी को हमको घर में रखना चाहिए ताकि कभी भी किसी भी चीज़ में अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कलर आ जाए तो कलर के लिए हम उसको ऐड कर सकते हैं। हमारे शो का यही फ़ायदा होता है कि हम यहाँ पर सिर्फ खाना बनाना सिखाते नहीं हैं बल्कि छोटी छोटी सी आपको टिप्स भी साथ साथ देते हैं जी। तो कहाँ तक पहुँची चिकन हमारी? अब इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे इसमें ये काली मिर्च है, किसी भी काली मिर्च आपको ऐड करनी है 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च आपको करनी है ओके 1 टी। ठीक है, फिर भुना कुटा धनिया और भुना कुटा जीरा डालना है हमें। ठीक है, ये आपने खुद से भून के और जो वो मोटा मोटा सा जी कूटा हुआ है। ठीक है, तो ये स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हमने। और आप मुझे बताएं कि इसमें क्या दही भी हम यूज़ करेंगे? जी, दही से ये होता है कि आपकी जो ग्रेवी होती है वो ज़्यादा हो जाती है और उसका फ्लेवर भी थोड़ा आता है। ठीक है जी। और उन लोगों के लिए जिनके फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा हैं और आजकल जो है आपको पता है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में डालो तो कितनी ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, तो अब ये भी कर सकते हो कढ़ाई में आप अगर चॉप अनियन डाल देना शुरू में तो उससे होगा कि ग्रेवी आपकी क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ओके जी। ये भी एक तरह की टिप है कि अगर कढ़ाई में आपको ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें अनियन को चॉप करें। कितनी अनियन लेंगे 1 kg के हिसाब से? 1 मीडियम 1 मीडियम आप ले। ठीक है, कुछ चाहिए आपको? जी टमाटर। अब ये ऐड करने लगे हम इसमें? ओके, वैसे तो टोमेटोज कट करके भी डाल सकते हैं और अगर आपका टाइम शॉर्ट है तो आप ये प्योरे डाल सकते हैं इसमें। 3 to 4 टोमेटोज की आप डाल सकते हैं, प्योरी डाल देंगे जी। इसको आपने क्या किया है, सिर्फ पानी डाल के ब्लेंड किया है? मैंने पानी नहीं डाला इसमें, पानी भी नहीं डाला, सिर्फ थोड़ा सा डालना है कि वो ब्लेंड होते हुए इजीली ब्लेंड हो जाए। और छिलका वगैरह तो नहीं हटाया ना? नहीं। ठीक है, वरना जब हम कढ़ाई में कट्स करके डालते हैं टोमेटोज को तो जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो आप उसके जो छिलका होता है वो पील कर दें। ठीक है, तो मुझे ये बताएं सारा इसको कितना टाइम है और कुछ ऐड करने वाले इसको हैं? सिर्फ 5 to 8 minutes हमें करना है, उसके बाद हमें ऐड करना है कसूरी मेथी, ऐड करना है हमें हरा धनिया, ऐड करना है दही, ऐड करनी है और बाद में जूलियन। ठीक है, तो 5 to 8 minutes जब तक ये चिकन हम गल जाने के लिए रख देते हैं तो यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो हम वक्त ब्रेक पे चले जाएं। जी जी बिल्कुल जी। नाजरीन, तो चिकन बन रही है, उसको हम कवर कर देंगे जब तक ये गल जाती है। आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ ही रहना है। रिवायतों की लज्जत में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। रिवायतों की लज्जत के किचन में आज हमारे साथ मौजूद है सारा। सारा यहाँ बना रही है चिकन कोयला कढ़ाई। तो सारा मुझे बताएं कि आपकी कढ़ाई कहाँ तक पहुंची? हमने कुछ नहीं किया, हम सब कुछ आपके सामने करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम थोड़ी सी योगर्ट डाल रहे हैं। कितनी दही? हाफ कप योगर्ट। हाफ कप मींस 100 grams जी, राइट? Okay. 50 ले लें या 100, मतलब इतना होना चाहिए जितनी ग्रेवी चाहिए आपको। हाफ का 50 होता है। ठीक है, सारा मुझे एक बात बताएं कि हम इसको किसके साथ सर्व कर सकते हैं? नान के साथ, रोटी के साथ? आप गार्लिक नान के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगेगी। गार्लिक नान जी, वो क्या आप घर में खुद बनाती हैं क्या? नहीं, मैं नहीं। वैसे ईजी है, अगर आप डो बना लें तो आप कर सकते हैं, बट जब
बाहर से मिल जाता है तो वो तंदूर वाले अच्छे बनाते हैं। हाँ, जो भी हो जाए, वो कहते हैं ना कि मेहनत कर ले रिवायती खाने ये वो, लेकिन जो जनरेशन है ना हमारी उसमें थोड़ी सी मेहनत तो नहीं होती, ये बात तो माननी पड़ेगी। जो पहले के लोग किया करते थे, वो तंदूर की जो भट्टी की वो जो रिवायत है ना वो नहीं आ पाती, वो नहीं आ पाती, वो भट्टी वो जो होता है ना उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। आप बात को कवर करने के लिए कुछ भी कह दें उसे कोई नहीं फर्क पड़ता। चलिए ठीक है, अब क्या ऐड करेंगे इसमें? बस अब हमने इसमें योगर्ट कर दिया, 2-3 मिनट हम इसको सॉटे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ये चिलीज, ग्रीन चिलीज ली जी। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, कढ़ाई मिर्च भी कहते हैं, जो छोटी हरी मिर्च मोटी वाली, थोड़ी सी जो बड़ी होती हैं जी, ये मोटी वाली हमने हरी मिर्चें ले ली है, क्योंकि इसमें इसका जायका होता है लेकिन इसकी ना वो तीखापन नहीं होता, जो होता है तेजी वो नहीं होती मोटी मिर्चें डालने से जी। तो ये आपने कितनी ऐड की है? ये तीन चार ले लें, 3-4 खुशबू के लिए ऐड करेंगे और थोड़ा सा टेस्ट आ जाता टेस्ट है, लेकिन आ जाता वो है। मिर्चे तेज नहीं होती उससे। ठीक है, ये मिर्चे इतनी ज्यादा तीखी होती नहीं है, तो आप 3-4 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर सकते हैं। आप क्या ऐड करेंगे इसमें? ये है कसूरी मेथी। ठीक है, ये हमने कितनी ऐड करनी है? ये हमें ऐड करनी है, हम 1 टीस्पून ले लें, 1 टेबल स्पून ले लें, हाथ से जी, ये हाथ से करते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा? ये देखिए बहुत ज्यादा वो है, अच्छा तो इसको हाथों से इस तरह क्रश करते इसको हुए क्रश करके डालने का ही वो है। ठीक है, ओके, तो ये हमने कितनी ऐड की है वैसे? ये हमने 1 ले लें, 1 टीस्पून जी। ठीक है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी इसमें ऐड की है, और ऐड करने का तरीका आपको सारा ने बताया कि उसको हाथ ऐसे से ही क्रश करते हुए ऐड करना है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? बस इसमें अब हम हरा धनिया डाल रहे हैं, हरा धनिया डालेंगे और इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए जी। और इसमें ये अदरक, अदरक हमने जूलियन कटिंग्स में डाली है। ठीक है, अदरक इसमें ऐड कर दी है, हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ी देर इसको कवर करते हैं। अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो फिर कोई मसले की बात नहीं है, जल्दी से जाएं और रेसिपी कार्ड का रिव्यू करके आएं। चिकन कोयला कढ़ाई अज्जा, चिकन कढ़ाई कट 1 किलो, नमक हसबे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, तेल 1 कप, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, टमाटर 5-6 अदद, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, भुना कुटा धनिया 1/2 खाने का चम्मच, भुना कुटा जीरा 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, दही 1 कप, सूखी मेथी 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 6-8 अदद, हरा धनिया 1/2 गड्डी, अदरक गार्निश के लिए। तरकीब, कढ़ाई में तेल गरम करके पानी, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फिर चिकन डालकर दरमियानी आंच पर भून लेंगे यहाँ तक के रंग तब्दील हो जाए, 5 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद आंच तेज करके 8-10 मिनट तक पकाएं यहाँ तक के तेल अलग हो जाए। कढ़ाई से इजाफी तेल निकाल कर नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे, फिर टमाटर डालकर ढककर धीमी आंच पर पकाएंगे। अब कुटी हुई काली मिर्च, भुना कुटा जीरा डालकर मिक्स कर लेंगे। अब दही, हरी मिर्च और सूखी मेथी डालकर मिक्स कर लेंगे। अदरक और धनिए से गार्निश कर लेंगे। जब कढ़ाई तैयार हो जाए तो कोयले का धुआं देंगे। मज़ेदार कोयला कढ़ाई तैयार है जी जनाब। तो रेसिपी कार्ड से वापस आ गए हैं, आई होप आप लोगों ने रेसिपी को नोट कर लिया होगा। सारा हमारे साथ मौजूद है, सारा हमें बताएं कि चिकन कहाँ तक पहुँची और आपने वहाँ पे कोयला क्यों रखा है? क्योंकि चिकन कोयला कढ़ाई तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमें कोल का स्मोक देना है। बिल्कुल सही, इसलिए मैंने यहाँ पे कोयला गरम करने के लिए रख दिया था। चिकन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, जो सब हमारा लास्ट स्टेप है वो बस है धुनी देना कोयले की। ठीक है, तो अभी कोयला हो गया आपका जी, ये इसकी शक्ल हम दिखा सकते हैं? ओह जबरदस्त, कलर और खुशबू ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये हमें मिल जाए ना किसी भी खाने में, तो अगर हमें भूख नहीं भी लगती तो हम उसको थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं। जैसे मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी, लेकिन खुशबू इतनी मज़े की आ रही है तो मैंने सोचा है कि जब ये बन जाएगी तो मैं इसको ट्राई ज़रूर करूँगी। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसमें स्मोक देंगे। ठीक है, स्मोक देंगे। लोग जो है अलग से ऑयल यूज़ करते हैं, मैं इसका ही ऑयल इसमें डालूंगी। ओके ज़बरदस्त, इसको बंद ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी अच्छी चीज़ बताई कि आप अलग से ऑयल लेकर और इसके ऊपर आप डालते हैं, फिर धुआं निकलता है, लेकिन इसी के अंदर का ऑयल जो होता है, जो ऊपर आ जाता है, उसी को ही हम इसमें डालेंगे। तो आप देख सकते हैं
इसी का ऑयल इसी के अंदर जी। तो वो जो फ्लेवर्स का आएगा ना बहुत ही मजे का खुशबू फिर अब आना शुरू हो गई है कोयले की और पता लग रहा है पहले कढ़ाई बन रही थी ये पता लग रहा है जी। और अब ये पता लग रहा है कि कोयला कढ़ाई जो है वो बन गई। कितनी देर के लिए छोड़ना है इसको? बस थोड़ी देर हमें छोड़ना फिर हम हटा लेंगे कोल। ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल हो या जिनके पास एल्यूमिनियम फॉइल ना हो तो वो किसी स्टील की कटोरी या कुछ रख के उसमें कोल डाल दें। ठीक है। अगर फॉइल आपके पास नहीं है तब भी आप इसको बना सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोयला कढ़ाई बनानी है सब चीज़ें फॉइल नहीं है तो भाई उसके आने का इंतज़ार करें या उसको मंगवाने या उसको लेने जाना है। इसको अब हम रिमूव कर देते हैं। तो ये हो गई है हमारी कढ़ाई, ये डन हो चुकी है। डन हो गई। मैं आपको डिश आउट करने के लिए दूँ। ये ले इसको, मैं यहाँ से हटा देती हूँ। बस कोल है इसमें। ठीक है जी जनाब। तो हमारी जो डिश है, हम आज की जो रिवायती रेसिपी है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और आपको इसकी फाइनल लुक बताएंगे कि कैसी है ये। सारा आप मुझे बताएं कि आपके जो हस्बैंड हैं, आपकी शादी जो नई नई हुई है आप मुझे भी बता रही थी ब्रेक में, तो वो क्या करते हैं? लाइक आपकी हेल्प वेल्प करते हैं या बस फरमाइश ही करते रहते हैं? वो फरमाइश भी करते हैं और हेल्प भी करते हैं। हेल्प करते हैं किचन में? हाँ, आके कुछ कर लिया, बातें वगैरह कर ली। कंपनी देना भी बहुत बड़ी हेल्प होती है। कंपनी मिलती है, हेल्प नहीं मिलती, कंपनी हेल्प भी कर देता है। लेकिन घर में जो खवातीन काम करती है ना, तो उनके लिए ये भी है कि अगर उनको बातें भी करवा ली जाए तो ठीक है, बातों में पता ही नहीं चलता काम का। जैसे अभी इन्होंने कढ़ाई बनाई और मैं इनसे सिर्फ इनको कंपनी दे रही थी, इनसे बातें कर रही थी, तो भी काम हो गया। हो गई है जी। ठीक है। मज़ेदार सी कढ़ाई जो है वो तैयार है। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी इसको देख सकें। इसको बस इसमें डालना है। पहले आप इसको यहाँ रख दें जी। अब हम इसको गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए क्या ऐड करेंगे इसमें? हरा धनिया डालेंगे। ठीक है। और कुछ ये डालेंगे, अदरक डालेंगे। ओके जी। तो ये जो कढ़ाई है इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। और मैं तो आपसे कहूँगी कि फ़ौरन ही अगर चिकन आपके घर में मौजूद है ना तो आज इसको ट्राई कर लें, क्योंकि देखिए स्पाइसेस तो बिल्कुल वही हैं जो आपके घर में मौजूद होते हैं, कोई भी नई चीज़ नहीं है जी। सारा तो हम आपके हस्बैंड की बात कर रहे थे जी, तो वो आपकी हेल्प नहीं करते और हेल्प ही करते हैं और बातों में भी हेल्प करते हैं। बातों में हेल्प करते हैं और कोई फरमाइश करते हैं? फरमाइश की थी उन्होंने लास्ट टाइम मक्खनी हांडी की, तो मैंने वो बनाई थी। फूडी हैं बहुत, फूडी भी और साथ में फिटनेस ट्रेनर भी हैं। ओह, फिटनेस ट्रेनर भी हैं जी। ठीक है भाई, तो फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको बताते भी होंगे कि कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ हेल्दी है और कौन सी चीज़ सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त चूंकि ख़त्म होता है, तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी सारा का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मुझे इतना अच्छा लगा आपके साथ किचन में आपके साथ खाना पका के। वाकई हमें भी बहुत अच्छा लगा, हमारे नाज़रीन को भी बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आई, इतनी मज़े की हमने बातें की और उसके अलावा खाना जो आपने इतने मज़े का सिखाया हमें। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू जी जनाब। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। अगले प्रोग्राम में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नए शेफ़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।